हाय गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। वेट गेन करने के लिए एक 25 रुपए की मोमोज ना बड़ा अच्छा काम करती है। 25 रुपए की मोमोज की प्लेट जिसमें 8 से 10 मोमोज आते हैं आई गेस, क्योंकि मैंने खाए नहीं बड़े टाइम से, मुझे पता नहीं है। और उसके साथ साथ अगर आप लोग ये खा लेते हो और खाते 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 अचानक से आपको लगता है यार मेरा जो टमी है वो तो बलून की तरह बन गया और एकदम फूल गया, तो ऐसी सिचुएशन में ना कभी कभार बीच में क्या आता है कि आप कोई पार्टी अटेंड करते हो, कहीं जाते हो, ऑफिस में कलीग है या फिर आपके कॉलेज में कोई लड़की देखी जो कि बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है एकदम, और आपको लगता है कि यार मुझे ऐसा बनना है। अब ऐसे बनने के लिए तो आपको एक बिल्कुल रेगुलरिटी बिहेवियर चाहिए, एक अच्छी सी डाइट चाहिए, स्ट्रिक्टनेस चाहिए, लाइफ स्टाइल गुड होना चाहिए। अब वो आप लोग कहाँ से करोगे? चलो मन की तमन्ना जाग भी गई कि नहीं मैं कर लूँगी और मैं करूँगा, उसको कर लूँगी या कर लेने से पहले आपको चाहिए हर जगह की सर्चेस कर ली। बहुत सारे आप न्यूट्रिशनिस्ट के वेबसाइट पर जाएंगे, उनके पेजेस पर जाएंगे, डाइटिशनों के पेजेस पर जाएंगे, उनके प्राइस देखेंगे, उनका पूरा रूल पढ़ेंगे, उसके बाद आप कहोगे यार ये पर्टिकुलर अमाउंट मेरे पास नहीं है। सो ये जो वीडियो है उन लोगों के लिए जिनके पास अमाउंट नहीं है बट उनके अंदर जील है कि मुझे वेट कम करना है। सो ऐसे लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ मेरी क्लाइंट का एक स्पेसिफिक डाइट चार्ट जिसकी हेल्प से उनकी 36 वेस्ट जो है वो 26 वेस्ट हुई है। एंड ट्रस्ट मी, उनका जो कॉन्स्टिपेशन इशू है, जो स्टमक रिलेटेड इन्फेक्शन है, वो बिल्कुल छूमंतर गायब। जब हमारे टमी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जब हमारा टमी अपसेट होता है, हमारा टमी बिल्कुल ठीक नहीं होता, ऐसी सिचुएशन में हम लोग फेस करते हैं हेयर फॉल, मैसिव हेयर फॉल। उसके साथ साथ हमारे जो बॉडी पे एक्ने होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, स्किन का डार्कनेस होता है, ये सब रिलेटेड होता है हमारे टमी के इन्फेक्शन से। अगर आपको 26 वेस्ट चाहिए, इतनी सी वेस्ट चाहिए, उसके लिए आपको बहुत ही तरीके से एक स्ट्रिक्ट बिहेवियर पकड़ना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी पड़ेगी। आज तो आपका 26 वेस्ट हो जाएगा बट ट्रस्ट मी, जैसे ही आपने अपना लाइफस्टाइल पूर दोबारा पकड़ा वो दोबारा बाउंस बैक करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको मिलवाती हूँ मेरी 36 वेस्ट से 26 वेस्ट वाली क्लाइंट से, और उसके बाद मैं बताती हूँ इनका स्पेसिफिक डाइट चार्ट। हेलो एवरीवन, आई एम धनदा वानखेड़े एंड आई एम हियर टू शेयर माय वेट लॉस जर्नी विद यू ऑल। सो सिंस चाइल्डहुड आई वाज ओवरवेट एंड आई हैड नो आइडिया हाउ नॉट टू बी ओवरवेट। I had this in my mind that I wanted to lose weight but I wanted someone who will guide me through this. The best thing about me is that I never tried my hand on different random fad diets available out there. And during lockdown, I came across Sumandhi's YouTube video. I loved the meal plan she provided, whatever recipe she posted on her YouTube channel. After that, I started following her on Instagram and read all her client transformation and different stories. After a year of following her and after I completed my graduation, I mailed her. And within a month or a two, I joined her batch. Initially, the call was scheduled with her. She asked me everything about my lifestyle, my work, my working hours, and my health conditions and health history. She then provided me with a diet plan. Diet plan, I would not say it a diet plan, is a beautiful meal plan, and meal plan is nothing but simply ghar ka khana. Regular recipes with sometimes with a healthier twist. It took me around a week to adapt this new routine from 2 meals to 7 to 8 meals a day and to develop a taste for juices and detox water she provided. During this journey, Sumandhi is with me throughout. I felt little constipated during this journey and even a month back when I was on a maintenance. I messaged her and she replied me back within 20 to 30 minutes with a remedy, and I was sorted from the next day onwards. She makes sure that I eat every 2 to 3 hours, that eating right, at the right time, in the right portion and on the regular intervals. My snacks and meals ranges from idli, poha, upma, sandwiches, salads, chilas, roti, sabzi, dal, chawal and even gulab jamun, ice cream, kulfi and chocolates. She told me that if you want to lose weight, if you want to look good, if you want to lose inches, you must take 7 to 8 hours of sound sleep, and I make sure that I took 7 to 8 hours of sound sleep every day. This weight loss journey gave me a lot, obviously weight loss and a huge inch loss.
I was 73 kgs and now I am 50 kgs. My waist is 36 inches and now 26 inches. I lost almost 10 inches and 23 kgs within a period of 5 months, excluding periods. My hair loss issue is under control. My skin tone is getting back to normal, which was 2 to 3 shades darker because of the unhealthy lifestyles. My back pain and my leg pain is completely cured. Along with the weight loss and the inch loss, my health is getting better and better. I feel energetic all day long. I have an issue of high eye pressure for which I was using drops on a regular basis. After a month of following her diet, my doctor asked me to stop using drops on a regular basis, which is the best thing. So yeah, this is all about my weight loss journey. Sumandi helped me a lot during this journey. And the best thing about this journey is that I enjoyed every single day and every single meal she asked me to eat. I never had a cheat meal or a cheat day because cravings were never there. Her recipes are actually really yummy and I must say that you guys must try her recipes. They are actually really yummy and you guys will love it. I had no idea that just losing weight and adapting a healthy lifestyle would make me look so good. I feel so lucky that I chose to come to her and take her guidance and suggestions. I am so thankful to her for advising me and for guiding me through this journey. I always told her that thank you is never really enough for her. But Sumandi, thank you so much for transforming me into a beautiful and confident me. Thank you so much. And yeah, that's all about my journey. Thank you so much. चलिए अब अगर आप लोगों को बिल्कुल ऐसा transformation चाहिए, बिल्कुल पतली कमर चाहिए, मेरी जैसी या इनके जैसी, mark my words. किसी भी एक बंदे को पकड़ो जिसको आप डेली का अपना वेट अपडेट भेज सको. किसी भी एक पर्सन को पकड़ो, अपनी मम्मा पापा भाई बहन बंधु दोस्त बॉयफ्रेंड हस्बैंड एनीवन, आप उसको अपना डेली का वेट अपडेट भेजो. जब आपका डेली का वेट अपडेट कोई ट्रैक करेगा, आप गलती कम करोगे. आपको पता है कि सामने वाला बंदा आपसे पूछेगा कि आपका वेट गेन क्यों हुआ है, क्या खाया है, क्या रीजंस है. सबसे बड़ी बात आती है कॉन्स्टिपेशन की. सो ये जो पूरा डाइट चार्ट है, ये है कॉन्स्टिपेशन प्लस वेट लॉस, जिसकी हेल्प से एक तो आपका कॉन्स्टिपेशन भी क्योर होगा, उसके साथ साथ आपका जो वेट लॉस है वो माशाल्लाह इतना बढ़िया जाएगा, और उसके साथ साथ आपको मिलेगी अपनी पतली कमर. फ्लॉन्ट करो, अच्छे से कपड़े पहनो, अच्छे से ड्रेसअप हो, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, और बिल्कुल स्मार्ट सुंदर बन के मुझे इंस्टाग्राम पे अपने पिक्चर्स के साथ टैग करो. सो स्टार्ट करते हैं ये डाइट. उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं किचन में और बनाते हैं मॉर्निंग ड्रिंक. ओके जी, सो मॉर्निंग ड्रिंक के लिए फर्स्ट ऑप्शन मैं यहाँ पे लेके आई हूँ जूस. जूस के लिए यहाँ पे मेरे पास है एश कार्ड, इसको हम कहते हैं वाइट पेठा, और इसके मैंने लिए 3 स्लाइसेस. यहाँ पे मेरे पास है 2 खीरे, और यहाँ पे मेरा जूसर भी रेडी है. सो अब हम निकालेंगे इनका जूस. ओके जी, सो ये रहा हमारा मॉर्निंग ड्रिंक एंड इट्स रेडी. हमें सिर्फ शॉट चाहिए, हमें पूरा गिलास नहीं चाहिए. ओके जी, अनदर मॉर्निंग ड्रिंक. यहाँ पे दूसरा ऑप्शन, जिन लोगों के पास जूसर नहीं है या जो रोज़ाना की सब्जियाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ पे मेरे पास है किशमिश. मैंने एक गिलास पानी के अंदर 10 किशमिश सोख करके रखी हुई हैं, और साथ में पिंच ऑफ केसर. हम ये भी यूज़ कर सकते हैं एज अ मॉर्निंग ड्रिंक. अगली मॉर्निंग इसको हल्का गर्म करेंगे, इसमें से किशमिश निकाल के खाएंगे, पानी स्ट्रेन करके पियेंगे. अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की. ब्रेकफास्ट के लिए हम चलते हैं किचन में और बनाते हैं रागी की रोटी. अब आप कहोगे यार रागी की रोटी तो बहुत ही हार्ड बनती है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो ये कैसे हम खाएंगे. मेरे मेथड से रागी की रोटी बनाएंगे, और ट्रस्ट में गेहूं के आटे की रोटी से भी ज़्यादा सॉफ्ट बनती है. सो बनानी कैसे है, चलते हैं किचन में. ओके, नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं नाश्ता, ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे मैं बनाऊंगी रागी की रोटी, और बहुत ही सॉफ्ट रागी की रोटी बनेगी. यहाँ पे मैंने एक कड़छी लिया है रागी का आटा, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच जितना गरम गरम उबलता हुआ पानी, 1 चम्मच 2 चम्मच, और इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा 1 से 2 चम्मच घी. परफेक्ट, खूब अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे. ओके,
नेक्स्ट इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, वो भी गर्म एकदम। यहाँ पे मैंने ले लिया है थाल, थाल के अंदर मैं डाल दूंगी मेरा गरम रागी। इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा बार्ले का आटा। ओके, सो दिस आटा इज रेडी। और इस रागी की रोटी जो बनेगी वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, ना कि हार्ड बनेगी जो खाई भी ना जाए। ये रही जी हमारी रागी की रोटी। इसके ऊपर लगाएंगे हम थोड़ा सा घी। एंड ट्रस्ट मी, ये इतनी सॉफ्ट है, जो लोग कंप्लेन करते हैं कि रागी की रोटी नहीं खा जाती, ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है रागी की रोटी से। आप इसको लेंगे किसी भी सब्जी के साथ और साथ में बाउल ऑफ कर्ड। वेलकम बैक। जिस जिन लोगों को रागी की रोटी नहीं पसंद, मुझे नहीं खानी, सो हम क्या लेंगे? रागी की रोटी और जौ की रोटी के अलावा हम और कोई भी आटा इसमें यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा हम लेंगे खिचड़ी, किनुआ और दाल खिचड़ी दही के साथ। मेक श्योर नेक्स्ट जो ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पर, ये है हमारा मूंगे की दाल की खिचड़ी। नेक्स्ट मेरे चैनल पर बहुत सारी खिचड़ी की रेसिपीज है, आप इनमें से कोई सी भी पिक कर सकते हो। कोई भी खिचड़ी आप अपने अकॉर्डिंग पिक कर सकते हो और ले सकते हो। नेक्स्ट इसके अलावा भी अगर आपको खिचड़ी खाने का मन नहीं है, उसके अलावा हम लेंगे वेज किनुआ। वेज किनुआ सैलेड, ये रहा इसका रेसिपी, और इसको हम लेंगे बाउल ऑफ कर्ड के साथ। और अगर हो सकता है तो इन खिचड़ी के साथ आप ले सकते हो एक कुकम्बर और एक अनियन। ऑलराइट, नाउ खिचड़ी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, हम आपको तो नहीं खाना खिचड़ी। खिचड़ी के अलावा यहाँ पे लेंगे हम दाल के चीले। मेरे चैनल पे बहुत सारे मैंने दाल के चीले डाल रखे हैं, मूंगे की दाल के चीले, ग्रीन मूंग दाल का चीला। इनमें से कोई भी चीला आप वन और टू आपकी अकॉर्डिंग आप पिक कर सकते हो, और उन सबको लेंगे हम बाउल ऑफ कर्ड के साथ। नेक्स्ट मूव करते हैं मिड ब्रेकफास्ट के लिए। मिड ब्रेकफास्ट के लिए मैं आपको दूंगी एक कोकोनट एंड सीड्स का मिक्सचर, बहुत ही यमी है, चलते फिरते मेरे डाइनिंग टेबल पे पड़ा रहता है और मैं यूं ही उसको खा लेती हूँ। और जो जो मेरे क्लाइंट मेरे घर पे आता है उन सबको मैं वो खिलाती हूँ, एंड दे फील लाइक यार आप सही हो, इतना अच्छा अच्छा डाइट का खाना बनाते हो। सो वो बनाना कैसे, इतना यमी सा मिक्सचर, चलते हैं किचन में। नेक्स्ट मिड ब्रेकफास्ट में हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट एंड सीड्स का मिक्सचर। ये है मेरे पास नारियल, जिसको हम कहते हैं गोला। इसको हम अच्छे से रोटी में इस तरीके से रैप करेंगे और इसको थोड़ी देर तवे पे सेकेंगे, खूब अच्छे से थोड़ी देर तवे पे इसी तरीके से सेकेंगे ताकि ये अंदर से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे जो मैंने नारियल यूज़ किया है, ये है कच्चा नारियल, दस कच्चा नारियल। ओके, इसके पर रखती मैंने ये रोटी तवे के ऊपर, और इसको अब हम पकने देंगे सिम आँच पे कम से कम 3 से 4 मिनट तक। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे मेरे पास है पैन, इसके अंदर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच जितना मेरा मेथी दाना, 1 और चम्मच। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरी सौंफ, 1 चम्मच जितनी सौंफ। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी जीरा, मेरा 1 चम्मच जितना जीरा। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, और जब तक ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाते सारे के सारे, तब तक इसको खूब अच्छे से हमने भूनना है। अब कर देंगे गैस बंद। इधर हमारा जो रोटी में नारियल पक रहा था वो भी बिल्कुल रेडी है, इसको भी हम उठा लेंगे। सो अभी परफेक्ट, ये नारियल रोटी का हमारे को यूज़ नहीं है, ये रोटी कोई खा भी सकता है आराम से। ये रहा हमारा नारियल, ये रहा हमारा ब्लेंडर, ब्लेंडर में मैंने डाला नारियल, ये भी गर्म है अच्छा खासा।
नेक्स्ट ये हमारे सीड्स, ये कर दिया बंद। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरी शक्कर या फिर आप जैगरी पाउडर एक चम्मच जितना, और इसको बना के आप कम से कम 5 से 6 दिनों के लिए, मेरा तो ये 10 दिन चलेगा, आप 10 दिन के लिए भी इकट्ठा बना के कांच के कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, अप टू यू। मेरा ख़राब कभी नहीं हुआ, तो इसको हम बाहर भी रखेंगे फ्रिज में। अगर आपको लगता है कि नहीं ये ख़राब हो जाएगा, वहम टाइप चीज़ है, तो आप इसको फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो अब इसको खाना कैसे, इस मिक्सचर को आप कोई भी एक सीजनल फ्रूट उठाइएगा, फॉर कॉन्स्टिपेशन बेस्ट फ्रूट इज चीकू, ये रहा, और एक चीकू के साथ आप एक चम्मच इस मिक्सचर का ले सकते हैं। बनाना सबसे बेस्ट फूड है फॉर कॉन्स्टिपेशन, बनाना के साथ आप एक चम्मच ये मिक्सचर ले सकते हैं। कोई भी फ्रूट जो भी सीजन का आपको मिल रहा है उसके साथ आप ये एक स्पून ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक चीकू लिया, सो उसके साथ हम इतना ये मिक्सचर ऐड करेंगे, सो ये होगा आपका मिड ब्रेकफास्ट। वेलकम बैक जी, आप बात करते हैं हम लंच की। लंच के लिए मैं यहाँ पे आपको दूंगी बहुत ही यम्मी, बहुत ही फिलिंग, और ऐसा नहीं कि हम डाइट करेंगे तो हम मर मर के खाएंगे, नॉट एट ऑल, नो नो नो। ये आज का ट्रेंड है डाइट का, खाते पीते हमने वेट कम करना है, हमने फैट डाइट नहीं करनी, हमने लो कार्ब डाइट नहीं करनी, हमने क्रैश डाइट नहीं करनी, हमें लाइफस्टाइल पे वर्क करना है जिसको हम आगे अपने साथ चला के ले सकें, वरना आज तो वेट लॉस हो जाएगा नहीं तो नहीं होगा। मेरा जो इस फील्ड में सर्वाइवल है 6 ईयर्स का है, मैं 6 साल से ये काम कर रही हूँ। 6 साल से मेरा जो ये काम है सिर्फ इसलिए टिका हुआ है क्योंकि जो जो लोग वेट कम करते हैं वो मेंटेन भी करते हैं मेरे साथ साथ ना, और उनको मैं बहुत लंबा अपने साथ लेके चलती हूँ। 5-5 साल से लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि मेंटेनेंस पे ही है। 3-4 किलो गेन कर लो बट लो कार्ब डाइट नहीं करना, उसको आप वापस अपना गेरो, तो एक मेंटेनेंस भी आपने आगे लेकर चलना है। सो अब लंच के लिए मैं यहाँ पे आपको दूंगी एक हरा भरा कबाब, वो बनाना कैसे है चलते किचन में। लंच के लिए हम बना रहे हैं हरा भरा कबाब। यहाँ पे मेरे पास है पालक, और इसको मैंने 15-20 मिनट पहले ही गर्म पानी में सोख करके रख दिया है, सो इसको यहाँ से मैं निकाल लूँगी। ओके, एक मुट्ठी पालक है मेरे पास यहाँ पर, सो ये रही मेरी पालक। इसके अंदर मैं डालूँगी मेरा हरा धनिया, इसके अंदर मैंने डालना है मेरे कुछ पुदीना के पत्ते, बढ़िया। सो इन सब को यहाँ ब्लेंडर में डालेंगे हम, और इन सब का अब हम मिक्सचर बनाएंगे सबसे पहले। अब इन सब को हम करेंगे अच्छे से ब्लेंड। डाल दिया हमने यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मेरा बॉइल्ड आलू, 1-2। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी नमक, नेक्स्ट कस्तूरी मेथी, नेक्स्ट पिंच ऑफ हिंग पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, पिंच ऑफ अजवाइन, दैट्स इट। और इन सबको हम खूब अच्छे से मिक्स करेंगे अभी। ओके, सो ये रही हमारी टिक्की। टिक्की बनाने से पहले हाथों पे हल्का सा घी जरूर लगाएंगे। ओके, सो दिस कबाब इज रेडी। ओके, सो इन कबाब्स को हम दही के साथ भी खा सकते हैं और चटनी के साथ भी।
वेलकम बैक जी। अब हरा भरा कबाब खाने का मन नहीं है, ना इतना टाइम है जी, हमको हम क्यों बनाएं। उसके अलावा मैं यहाँ पे आपको दूंगी चिया सीड पुडिंग। ये रहा चिया सीड पुडिंग का वीडियो, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये भी लेने का मन नहीं है जी, मैंने नहीं खाना। इसके अलावा आप क्या खाएं, इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको दूंगी ब्रिंजल सैलेड। ब्रिंजल सैलेड भी लेंगे बाउल ऑफ कर्ड के साथ। इसको भी खाने का बिल्कुल मन नहीं है यार, कुछ और बताओ। चना टिक्की, चना एंड ओट्स का टिक्की भी हम लेंगे और उसको भी लेंगे हम बाउल ऑफ कर्ड के साथ। मेरे चैनल पे मैंने बतेरी टिक्कियों की रेसिपीज डाल रखी हैं, सबकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उनमें से कोई भी टिक्कीज आप पिक कर सकते हो, बट मेक श्योर नो 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 विद ग्रीन मिंट चटनी, हैव इट विद कर्ड, बाउल ऑफ कर्ड घर पे जमा हुआ। नाउ मूव करते हैं इवनिंग टी में। इवनिंग की टी में हम क्या लेंगे, चलते हैं किचन में। ओके, बात करते हैं इवनिंग टी की। इवनिंग टी में यहाँ पे मेरे पास है ग्रीन टी, कोई भी आप ग्रीन टी ले सकते हो, लेमन ग्रास टी ले सकते हो, एंड इसको लेकिन पियेंगे हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। ये मैंने खोलते हुए गर्म पानी में आधा चम्मच ग्रीन टी डाला है। इसको मैं 10 से 15 मिनट रखूँगी, जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगा इसको छान के मैं लूँगी। यहाँ पे इसके साथ हम लेंगे आंवले का मुरब्बा, बहुत ही आसानी से मिल जाता है, घर पे भी आप बना सकते हो। एंड ये मैंने खूब अच्छे से वॉश करके एक्स्ट्रा सारा शुगर निकाल के टिश्यू पेपर से क्लीन करके रखा है। अगर आपको ये खाने का मन नहीं है, देन वी कैन हैव भुना हुआ चना, हैंडफुल ऑफ भुना हुआ चना। वो भी खाने का मन नहीं है, देन वी कैन हैव 1 to 2 कुकम्बर्स, खीरा हम खाएंगे। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं जी डिनर की, सबसे क्रिटिकल पार्ट। बट मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की डाइट करने के बाद आपको इवनिंग में क्रेविंग्स की कुछ पॉइंट रह गया हो। हाँ, दिमाग में फितूर हो कि हम डाइट कर रहे हैं और हमको तो कुछ खाना है, ओ माय गॉड मेरी लड़की ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, ये क्या खा रही है। ऐसे सिचुएशन से थोड़ा सा दूर रहेंगे, डाइट खराब होने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। सो हम बात करते हैं डिनर के ऑप्शंस की। डिनर में मैं यहाँ पे आपको दूंगी दाल घिया सैलेड, ये रहा चैनल पे मेरा रेसिपी। नेक्स्ट मैं आपको दूंगी गोंद कतीरा के शेक्स, गुलकंद का गोंद कतीरा शेक, ये रहा वर्ल्ड बेस्ट रेमेडी फॉर कॉन्स्टिपेशन। बिल्कुल टमी क्लियर हो जाएगा, टमी क्लियर होगा तभी जाके अगले दिन वेट कम होगा, तभी आपका मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा, हाई जाएगा। गुलकंद का मिल्क लेंगे हम, उसके बाद हम लेंगे अंजीर वाला मिल्क। अंजीर का मिल्क सबसे बेस्ट रेमेडी है फॉर कॉन्स्टिपेशन क्योर करने के लिए। ये रही वो मिल्क की रेसिपी और ये हम ऐड कर सकते हैं। अंजीर अगर आपको बहुत महंगा लग रहा है, आप उसमें किशमिश भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे दूंगी आपको वेजीज कटलेट, ये रहा वेजीज का कटलेट, 2 to 3 वेजीज कटलेट अगर बहुत एग्जॉस्ट हो, थके हुए आए हो तब। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको दूंगी पालक का रैप, पालक का रैप, ये रहा मेरे चैनल पे रेसिपी है, आप इनमें से पिक कर सकते हो। अब इन सब चीज़ों को खाने की श्रद्धा नहीं है, मन नहीं है, ना ही मेरे पास टाइम है कि मैं ये सब चीज़ें बना सकूँ। व्हाट एल्स सुमन, हैव इट बाउल ऑफ पपाया, ठंडा ठंडा पपाया, या फिर पाइनएप्पल्स की, बहुत सारे फ्रूट्स जो है पाइनएप्पल्स की भी, पपाया, इन सबको मिक्स करके साथ में आप लोगे 50 grams ऑफ पनीर या फिर 2 to 3 एग्स का वाइट पार्ट। पहले आप फ्रूट्स खाएंगे, उसके आधे घंटे या 45 मिनट्स के बाद आप अपना पनीर सौते करके खाएंगे या फिर एग्स का वाइट पार्ट खाएंगे। अब बात करते हैं जी नाइट ड्रिंक की। नाइट ड्रिंक में ऐसा क्या ले जिससे टमी क्लियर हो जाए। एलोवेरा जूस और एप्पल साइडर विनेगर, बेस्ट रेमेडीज फॉर कॉन्स्टिपेशन। 2 चम्मच एलोवेरा जूस घर का बना हुआ बहुत ही बढ़िया, नहीं तो पतंजलि का भी अच्छा रहता है और कपीवा का भी बहुत अच्छा है। मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रही, बट मैंने पर्सनली यूज़ किया, मेरे ब्लॉग्स में मैं दिखाती रहती हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। या फिर एप्पल साइडर विनेगर, वो महंगा है, इसकी जगह आप एलोवेरा जूस यूज़ कर सकते हो, उसका भी कोई नहीं है इफेक्ट। भैया हमें नहीं चाहिए, ना हमारे पास पैसे है, कोई दिक्कत नहीं है। करी पत्ता, सिंपल सा पौधा है, हर जगह मिलता है, हर गली में लगा हुआ है, आप वहाँ से करी पत्ता तोड़ के रखिए। 4 to 5 करी पत्ता आप च्यू करेंगे रात को और आधा कप गर्म पानी पियेंगे, इससे आपका जो टमी है सुबह उठ के बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। पानी कितना लीटर पीना है, 3.5 लीटर कम से कम पानी आपके बॉडी में जाएगा सिप सिप करके, ना ठंडा ना गर्म। इस डाइट को फॉलो करने से बड़ी इजीली आप लूज कर सकते हो 10 kgs एकदम फटाफट, मतलब 10 किलो फटाफट जाएगा आपका बॉडी से, इंच लॉस ड्रास्टिक होगा, टमी क्लियर होगा। एंड ट्रस्ट मी, आपका जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, जो टमी में एकदम आपको हीट रहता है, बर्बिंग आते हैं, फाटिंग आते हैं, खट्टे डकार आते हैं, या फिर आपको पूरे टाइम इचिंग रहती है, इस डाइट से एग्जैक्टली उस पर वर्क करेगी। अपने आप को भूखा रखना बंद करो, फास्टिंग करनी बंद करो, फॉलो अ लाइफस्टाइल जिससे आपका वेट कम होने के बाद आप उसको मेंटेन भी कर पाओ, इससे आपका फायदा है। एंड जस्ट सेव योर मनी, डोंट स्पेंड योर मनी कहीं पे भी, जस्ट सेव योर मनी। सीखो अपनी बॉडी को, सीखो अपनी बॉडी लैंग्वेज, सीखो आप समझो आपकी बॉडी को, कौन सी चीज़ चल रही है, कौन सी चीज़ नहीं चल रही है, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा इफेक्ट करती है, कौन सी नहीं करती है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू, एंड
पैसे सेव करके अपना कुछ करियर बनाओ या फिर अपनी प्रॉपर्टी बनाओ या फिर अपने आप को कुछ कहीं अच्छी चीज़ों में लगाओ. सो या दैट्स इट. आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. सो टिल द टाइम टेक केयर. सी. बाय बाय.